आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, और अभी बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। सो फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो स्वाति जी, हेलो लविसा जी, और आज का जो डेमो है, आप लोग को जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो जानते भी होंगे, जो व्हाट्सएप में मेरे ऐड हैं उनको सब पता भी होगा कि डेमो का, और मैंने अपने स्टेटस पे रेफरेंस पिक लगाई भी थी डेमो की। जो भी लोग ज्वाइन हो, सभी लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। ओके, सो आज का डेमो आप देख सकते हैं कि रेफरेंस कैसा है, लाइट एंड शेडो कैसे बनेगी, डेप्थ कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा पेंटिंग के माध्यम से, ठीक है। और अच्छी बात है, इसमें ट्रीज़ का पार्ट भी है, बिल्डिंग्स कैसे ड्राइंग कैसे करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आपको सीखने को मिलेंगी। सो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे विद ड्राइंग। ओके, सो ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, और टाइम को बिना वेस्ट किए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो जो भी लोग मेरे साथ साथ वर्क करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं। ओके, और सबसे पहले मेन चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी ड्राइंग करते हो तो आपको डार्क लाइन का यूज़ नहीं करना है, बहुत ही लाइट लाइन में काम करना है। और मैं स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग कर रहा हूँ, उसको प्लीज़ बहुत ध्यान समझिएगा। अभी जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये टेम्पल, जो अभी आपको सब ये ड्राइंग, ये टेम्पल वाला पार्ट है, इसके बगल में कोई घर है, नीचे कोई शॉप का एरिया है, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे काम, सब चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सो फिर हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, और जहाँ पे इसकी बेस लाइन है, यानी कि पेज के कुछ, एक सेकेंड, थोड़ा सा और विजिबल, यस समथिंग, यहाँ पे एक बेस हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे, एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हमें यहाँ तक बेस बनाना है। ओके, एक मैंने ड्राइंग कर ली इस तरीके से, और इसका अगर आप पूरे पेज को देखो हिसाब से, तो पेज के हाफ से थोड़ा सा आगे की ओर ये टेम्पल का जो आपका ये लाइन जो दिख रहा है राइट साइड का, वो आपको दिखे, यानी पेज के हाफ के हाफ से समथिंग कितना एरिया, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि यहाँ पे वो चीज़ होगी, बस देखो समझते जाओ। और देखो जो मेरे साथ साथ अगर नहीं भी बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो अपलोड भी होती है बाद में, तो आप अपलोड होके भी देख सकते हो। बस लाइव ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, सो ये अच्छी, ये बस सब चीज़ें होती हैं। और सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, जो भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं? देखो सिर्फ एक, ओके, सिर्फ एक, मतलब क्या कहते हैं, आपको एक बिल्डिंग कैसे आप बना रहे हो, बस एक आइडिया होता है। ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ रियलिस्टिक ड्राइंग करनी है, बस एक आइडिया बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके हम काम करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बस नॉर्मल सिंपल सा, अभी सबको विजिबल तो होगी ही ड्राइंग, ऐसा है नहीं किसी को ना दिख रही हो। और ऐसा भी नहीं कि मैं एक एक चीज़ कॉपी करके, मैं बस हल्का हल्का एक रफली एक फील दूंगा, बस एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरीके से काम करना है। बस कुछ चीज़ें चाहे तो हम अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं वाटर कलर में। एक अच्छी बात ये भी होती है कि चाहे तो हम कुछ चीज़ें अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इसकी आउटर लाइन ड्रॉ कर लो, फिर बाद में डिटेलिंग हम कर लेंगे कि किस तरीके काम करना है। एक पहले का आउटर लाइन ड्रॉ कर लो। बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे हैं, सभी लोग को बहुत बहुत हेलो। मैं मैसेज किसी के पढ़ नहीं रहा हूँ, सो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस अपने काम पे है, ठीक है। नॉर्मली बस सिर्फ एक आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको एक एक चीज़ कॉपी करनी है, एक एक सिर्फ एक फील लेना है टेम्पल, ऐसा हर चीज़ आपको एग्जैक्ट वैसे नहीं बनानी है। आप देख भी रहा हूँ कि मैं हर चीज़ एकदम नॉर्मल, एकदम फ्री होकर कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या बन रहा है। बस जब हम कलरिंग करेंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आपको आ जाएंगी। देखो सिंपल था, ठीक है, एक सिंपल सा नॉर्मल एक ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो मेरे को जानते हैं काफ़ी टाइम से, और जिन लोगों ने मेरे से ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं। अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलो काम करते रहो, काम कभी छूटना नहीं चाहिए। देखो अगर आप एक रियल में आर्टिस्ट हो तो कभी काम मत छोड़ो, क्योंकि तो काम ही से ही आप जाने जाते हो अपने। ओके, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और लगातार मैं इसलिए बोलता रहता हूँ
जिससे कि आपको थोड़ा क्लास में इंटरेस्ट भी है कि एटलीस्ट मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, ये सारी चीज़ें, तो ये सब बहुत मैटर करता है। अभी जैसे कि इसके आगे जो ये टेम्पल दिख रहा है तो इसको मैं नहीं ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मुझे अगर इसको पूरा विजुअल दिखाना है, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा चेंजेस कर दूँगा रेफरेंस में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं है, है अच्छी चीज़, बट वो ड्राइंग को थोड़ा छुपा रहा है, मतलब कि जो उसका एक अच्छा फील आ रहा है वो उसकी चीज़ को, एक मेन गेट को छुपा रहा है इसलिए, ठीक है। इसलिए मैंने उसे हटा दी। यहाँ पे आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पत्थर या इस तरीके स्टोन जो पड़े हुए हैं, वो चीज़ वो मैंने बनाया है। इसको अलग अलग डायरेक्शन में रैंडम ऐसे ड्रॉ कर लो। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आपको एक एक चीज़ रियलिस्टिक ड्रॉ करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रैंडम इस तरीके से स्टोन ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखो एक बार काम करने आ जाएगा ना तो दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार फ्री हैंड। और अच्छी बात ये होती है कि अभी तो जब हम लाइव काम करते हैं तो और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइव काम में जो मज़ा होता है वो और किसी भी चीज़ में नहीं है, सही बता रहा हूँ, जो लाइव काम में मज़ा है ना वो और किसी चीज़ में नहीं है। सो जब भी टाइम मिले, मौका मिले, लाइव काम जरूर करिए, ठीक है। और जैसे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, सो अगर मैं पोस्टर शेयर करता हूँ तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो पोस्टर, जिससे कि उनको भी एटलीस्ट कुछ सीखने को मिले। देखो भगवान का शिवलिंग मैंने अंदर बना दिया है, जो अभी इसमें देखो एक नंदी जी की फ़ोटो दिख रही थी, बट उसको मैं भगवान मतलब एक उस चीज़ को मैंने हटा के सामने से मैंने एक शिवलिंग क्रिएट कर दिया उस एरिया, जिससे कि और अच्छा फील आए। अभी आप देख सकते हो मैंने शिवलिंग का एक पार्ट ऐड कर दिया। सो चेंजेस कर सकते हो, और एक अच्छी बात ये भी होती है कि आर्टिस्ट के अंदर चेंजेस अगर हम करते हैं तो हमारे लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होती, हम ईजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेस्ट पार्ट होता है आर्टिस्ट का, कि अपनी मेमोरी से भी आप काम कर सकते हो बिल्कुल, आप उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा अगर आप अच्छा कर लेते हो। और मेमोरी से काम करने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी, ओके, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। अब मैं ट्री की ड्राइंग बना रहा हूँ, ट्री में भी चाहो तो आप चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चलो जैसा दिख रहा है मैं वैसा बनाने की कोशिश करता हूँ एटलीस्ट जितना हो सकता है। चाहो तो मैं ट्रीज़ को भी चेंज कर सकता हूँ, नॉर्मल तरीके की ट्री जा रहा ऊपर की ओर, यहाँ पे एक अलग वे में दिख रहा है, ऐसे करके छोड़ दो। बाकी जो लीफ इफ जो होंगी वो सब डायरेक्टली कलर से भी बन जाएगी, सिर्फ मेन आपको पार्ट रखना है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेफरेंस है, इसीलिए मैं आपको इसका लाइव डेमो दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग रेफरेंस है, जो लाइव में काम करने का मज़ा है वो किसी भी उसमें नहीं, सही बता रहा हूँ, जो लाइव में काम करने का मज़ा है ना वो किसी उसमें भी नहीं है। और लाइव डेमो देना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, कि आप लाइव काम करके दिखा रहे हो तो वो भी एक अपने में एक आर्ट होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग को डर भी लगता है लाइव डेमो देने में। तो ये है कि जितना आप लाइव करोगे उतना आपका डर भी दूर होगा, ये मेरा कहने का मतलब है, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कि कैसे कैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें, जिनको पर्सपेक्टिव के बारे में नॉलेज होगी तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं होगी नॉलेज तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो इस तरीके नॉर्मली आप चाहो तो हल्का हल्का इस तरीके ड्रॉ कर सकते हो। देखो सबको दिख रहा होगा इसका फील कि किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, चेंजेस भी किए हैं, ऐसा नहीं चेंजेस नहीं किए, चेंजेस भी किए हैं मैंने, बट डिपेंड करता है किस हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। एक फ्री हैंड एक लाइन, आपको फ्री हैंड ड्राइंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि आप फ्री हैंड कैसे काम कर लेते हो ये सब कुछ। यहाँ पे आपको सॉफ हल्की सी दिख रही है, उसको आप इस तरीके ड्रॉ कर सकते हो इस वे में। ओके, सो नॉर्मली इस तरीके हल्का हल्का, यहाँ तक बेस लाइन आएगी इसकी, क्योंकि बेस लाइन बहुत मैटर करती होगी, बहुत सारे लोग मेन गड़बड़ी यहीं पे कर देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो,
बस एकदम फ्री माइंड होके काम करोगे तो आसान होगा। अगर आप हड़बड़ी में करोगे थोड़ा सा, जब भी आप कोई चीज़ बनाओ तो पहले ये सोच लो कोई बात नहीं जैसा बनेगा वो हमारा बेस्ट पार्ट होगा। ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ ख़राब होगी या ऐसा, ख़राब अच्छा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में बिगनर होते तो ख़राब अच्छा कुछ नहीं होता है, बात ये होती है कि आप उस चीज़ को अपना बेस्ट क्या दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब कि आप उस चीज़ को किस अपने बेस्ट कैसे दे रहे हो, मतलब कि आपको काम करना पड़ेगा उस चीज़ में, ठीक है। यानी कि जब ये सब चीज़ें आपकी बहुत टाइम की मेहनत होती है, जब हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ही ये सारी चीज़ें आती हैं। सो इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, परफेक्शन लाना पड़ेगा, तभी बिना डर के हम डेमो दे सकते हैं। और एक अच्छी बात होती है, काम तो अच्छा होना ही चाहिए, बाकी अब काम में एक स्पीड भी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि मैं 2-3 घंटे लगा रहा हूँ डेमो देने में तो फिर उसमें इंसान बोर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चेंजेस मैंने किए हैं बिल्डिंग में, तो वो डायरेक्टली हम कलरिंग में अप्लाई करेंगे। आप सबको दिख भी रहा होगा, सो नॉर्मली मैंने एक ड्राइंग कर ली है, आप देख सकते हो कि कैसे क्या कुछ, जैसे कि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ फिगर्स भी दिखाने हैं तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। और फिगर्स जैसे कि यहाँ पे कोई फिगर है इतने इतने एरिया में हल्का सा, उसमें दिख नहीं रहा, फिर भी अपनी साइड से ऐड तो कर ही सकते हैं ना कुछ। देखो एक नॉर्मल फिगर मैंने ऐड कर दिया है, कोई बात, जब हम कलरिंग करेंगे तो अपने आप उसका एक फील आ जाएगा। सो ठीक है, और उम्मीद करता हूँ जो साथ साथ काम कर रहे हैं उन्होंने ड्राइंग भी कर ली होगी। और लाइट से ही, लाइट और शेडो से ही प्ले करना है इस पेंटिंग को, क्योंकि तभी अच्छा फील आएगा इसमें, जो आपको भी दिख रहा होगा। सो फाइनली मैंने ड्राइंग कर ली है और उम्मीद करता हूँ आप सबको दिख ही रहा होगा, ठीक है। कुछ भी बाकी कुछ चीज़ें होंगी जो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, वो एक बात का पार्ट है। बाकी हम इसमें कलरिंग भी अभी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर लगता है कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं, या पहले से अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है, कुछ डिज़ाइनिंग वाला पार्ट चलो मैं ऐड कर देता हूँ, वैसे बाद में बन सकती है वो चीज़, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट चलो कोई नहीं, आपके हिसाब से काम करते हो, आपको लगता है कि डिज़ाइनिंग होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, तो मैं आपके हिसाब से वर्क कर रहा हूँ। तो ठीक है, फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और देखते हैं कलरिंग करते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है, वो तो फिर बात का पार्ट है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी ड्राइंग करी ली होगी, और मुझे नहीं लगता, मैंने जो ड्राइंग 10 से 12 मिनट लगा ड्राइंग करने में, क्योंकि आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ चीज़ें, सो 10-12 मिनट मैंने ड्राइंग करने में लिया है। सो अच्छी बात है, जितना कम टाइम लेते हैं ड्राइंग करने में उतना हमें ज़्यादा टाइम मिल पाता है अपनी पेंटिंग को और अच्छा बनाने में, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों का। और ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं कलरिंग से। और सबसे पहले क्या काम करना है आपको, सबसे पहले काम है कि बैकग्राउंड में कैसे वर्क करना है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे पहले तो जो बैकग्राउंड पहले उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो मिडिल ग्राउंड एंड फिर उसके बाद फोरग्राउंड, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना है आपको। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कलरिंग वाला एरिया। और कलर पैलेट में अभी मैं ऐसा जो कलर मिक्स करूँगा, आप चाहो तो पर्पल शेड ऐड कर सकते हो पूरे बैकग्राउंड में। और जब भी देखो कलर वेट हो जाता है तो आप स्प्रे की हेल्प से, वाटर स्प्रे की हेल्प से आप कलर को दोबारा से वेट कर सकते हो, क्योंकि सिंपल समर का वेदर है। सो कलर बड़े इंसान जब ड्राई हो जाता है तो कलर का ड्राई होना स्वाभाविक है। सो उसके लिए इस तरीके नॉर्मल फ्लैट ब्रश यूज़ करना है। ओके, जो अभी मैं कलर पिक कर रहा हूँ, अल्ट्रा मरीन ब्लू विथ क्रिम्सन रेड। देखो मैं जो आपके पास कलर से मैं उसी से काम करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे शेड्स हैं स्काई के, शायद आपके पास अवेलेबल ना हो। अल्ट्रा मरीन ब्लू विथ क्रिम्सन रेड, थोड़ा ब्लू शेड मैं और ले रहा हूँ थोड़ा और अच्छा करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और पेपर को बिना वेट किए डायरेक्टली मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ इस तरीके से, देखो ठीक है, जो स्काई वाला एरिया है। और पैच लगा के एक वॉश दे रहा हूँ डार्क टू लाइट, देखो इस तरीके से,
हमें चीज़ों को इजी बनाना होता है, जितना हम सोचेंगे उतना इजी होगा, और वही डिफिकल्ट हम सोच लेंगे डिफिकल्ट है तो फिर डिफिकल्ट ही रहेगा, उसका कुछ कर भी नहीं सकते फिर। देखो एक इस तरीके से मैंने एक वॉच दी है ब्लू की, एक हल्का सा पर्पल शेड की आपको दिख रही होगी, इसको हटा सकते हैं। ओके अब क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले एक काम आपको ये करना है कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा कि शैडो दिख रही है, यहाँ पे भी शैडो दिख रही है। तो अभी हम काम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे जो कलर्स दिख रहा है उसको लेके वर्क करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का क्लीन वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का क्लीन वाटर। अभी क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, या नहीं तो आप स्प्रे की हेल्प से इसको वेट कर सकते हो, इस तरीके से स्प्रे की हेल्प से आप वेट कर सकते हो इस चीज़ को। देखो तरीका होता है काम करने का, अब देखो आपको एक जो डर होता है आपको वो भगाना है पहले अपने अंदर का, कि काम करने में हमें डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का सा ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ऑरेंज विथ गैम्बोज ह्यू। देखिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये वर्कशॉप नहीं है, ये एक डेमो है। जिन लोग को लग रहा हो कि सर तो बड़ी जल्दी स्पीड में काम करें, तो मैं उनसे बस ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक डेमो का पार्ट है। सो अगर आपको काम करना है तो बाद में आप देख के कर सकते हो वीडियो को। देखो इस तरीके ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके वर्क करते हैं वो चीज़ आपको, एक बिना डर के कैसे काम करते हैं वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो हमारे अंदर ये डर बैठा है कहीं ख़राब ना हो जाए वो चीज़। ठीक है ना, तो वो मेरा कहने का मतलब है। जैसे यहाँ पे हल्का सा येलो शेड है, जहाँ जहाँ लाइट उतने एरिया को हम छोड़ देंगे, देखो ऐसे, इस तरीके से, एक बार काम करना आ जाएगा फिर चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी। देखो इस तरीके, एक बेस कलर कैसे अप्लाई किया, बहुत ही लाइट शेड मैंने अप्लाई किया है, आप सबको दिख रहा होगा थोड़ा पर्पल जो शेड था मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। जो पेपर मैं यूज़ करूँ चित्रपट पेपर है, जिन लोगों को ना मालूम हो तो चित्रपट पेपर बता देना चाहता हूँ मैं, ब्लू और हल्का सा क्रिम्सन मैं और ले रहा हूँ, जो डेप्थ वाले एरिया वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ब्लू एंड क्रिम्सन। देखो इस जगह पे ब्लू एंड क्रिम्सन शेड है ये, यहाँ पे तो ब्लू शेड दे रखा है, तो ऐसे इसको वेट ऑन वेट अप्लाई कर देता हूँ इस वाले एरिया में। जो कैसे चीज़ें आसानी हो रही हैं, जो हमें डिफ़िकल्टीज लगती है वो चीज़ मैं कितने इजी वे में कर रहा हूँ ये आपको एक दिख रहा होगा, कैसे कलर अप्लाई करते हैं, एक बेस कैसे देते हैं, ये एक समझने वाली बात है, जिसमें से बहुत लोग को दिक्कत इसी में हो जाती है कि बेस कैसे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, एक काम कैसे किया मैंने, सभी को दिख रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है उसका इफेक्ट कैसे देंगे, लाइट का एक ब्राइटनेस कैसे क्रिएट करनी है। तो ये एक तरीका होता है, इस तरीके हम एक बेस कलर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने ये सोच लिया वो सर आपने काम तो किया, लेकिन अभी जैसे कहीं पे दोबारा से वर्क करना है पेपर पे, तो कैसे करते हैं, लाइट एंड शेडो का फिर मुझे फील देना अच्छे से, तो फिर कैसे करेंगे, यानी कि दोबारा अगर मुझे शेडो डालनी तो वो कैसे देंगे, जिस पे आपको शेडो दिख रही होगी ये शेडो कैसे डाली जाएगी। इसका तरीका होता है काम करने का, जो कि बहुत सारे लोग को डर लगता है करने में, तो उसका मैं बताऊँगा कि किस तरीके करते हैं, शेडो कैसे डालते हैं, वो चीज़ अभी आपको
समझ में आएगी। कहीं लगता है कि टिश्यू पेपर की हेल्प से, मतलब कि अगर लगता है कि कहीं वाइटनेस छिप गई है, जब तक वेट है तो टिश्यू पेपर की हेल्प से आप उस चीज़ को हटा सकते हो, हल्का हल्का देखो वाइट इफेक्ट निकाल सकते हो उतने एरिया में। देखो तो ऑलमोस्ट जैसे ये ड्राई, कुछ एरिया ड्राई हो गया है और मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं दोबारा से वर्क करूँ, तो अभी जैसे कि बैकग्राउंड में हल्का हल्का इफेक्ट दे देते हैं जो टेम्पल के बैक साइड में है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा ऑरेंज शेड में ही काम करेंगे, ऐसे करके छोड़ दो, एक डेप्थ आ जाएगी। ठीक है, अभी ट्रीज़ की लीफ उसको ढक लेंगी तो उतना फील नहीं देखेगी, इसलिए मैं फिर भी हल्का हल्का कर देता हूँ, कुछ भी हल्का सा लाइट इफेक्ट देके ऐसे छोड़ दो कि ऐसे डेप्थ हल्की सी क्रिएट करें, ऐसा लग, इतना डिटेलिंग भी नहीं करनी है उसमें, इसका ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, बहुत ही हल्का, बहुत ध्यान से करते हैं काम। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सैमसंग का टैबलेट है मेरे पास, ये टैम मतलब कि टैब ये सैमसंग का मतलब कि छोटा सा टैबलेट है, तो सारी चीज़ें हैं इसी में इंक्लूड। ये बहुत पुराना है, अब ये मॉडल में भी मिलेगा भी नहीं आपको, तो यहाँ पे कोई, अब मैं क्या बोलूँ आपसे, ये तो मतलब एक बात अलग कोण से अलग हट के बात हो गई। क्योंकि बेस कैसे दिया मैंने, ऐसा डेमो अच्छी बात है कि आप लोग डेमो ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कोई इतनी डिटेल में नॉलेज कोई शेयर नहीं करता, मैं फिर बोल रहा हूँ ठीक है कितना, और ना ही सही बताऊँ मैं, अगर मैं आज आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ तो मैं अपनी क्लास का, जो मेरी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लास, मैं उसको मिस करता हूँ, यानी कि मैं आप लोग के लिए टाइम निकालता हूँ जिससे कि लोग आप लोग को कुछ सीखने को मिल जाए। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई ऐसा नहीं करता है, बट फिर भी जितना एटलीस्ट मेरे से हो सकता है आप लोग के लिए बेस्ट पार्ट, उतना तो एटलीस्ट मैं कर ही सकता हूँ। ठीक है, तो ये है कि मैं भी चाहता हूँ कि अगर मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, तो आप भी अपना टाइम दो इसको करने में और मेरे को काम भेजिए। ठीक है, और मैंने पहली क्लास में भी शेयर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था कि आप लोग काम कीजिएगा मेरे को भेजिएगा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर 9559480989, ओके 9559480989, आप लोग काम कीजिएगा मेरे को भेजिएगा। ठीक है, मैं अच्छा अच्छा लगेगा कि आप लोग एटलीस्ट ट्राई कीजिए उस चीज़ को और मेरे को भेजिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी जो क्लास का मेरे को मतलब एक फ़ायदा मिल गया कि एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई तो करी वो चीज़, मतलब टाइम तो नहीं वेस्ट किया, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, सो अभी प्रॉपर इसे ड्राई हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक वाटर पूरे पेपर अप्लाई करने से पहले मैं शेडो को कलर बना लेता हूँ, शेडो जो आ रही है इस पर आप सबको दिख रही होगी, तो शेडो का कलर मैं क्रिएट कर लेता हूँ पहले से, जिससे कि टाइम बचे मेरा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वाटर अप्लाई करते हैं फिर उतनी देर में कलर बनाने में लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि टाइम कवर नहीं हो पाता है और पेपर ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैचेस में हार्डनेस आ जाती है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। ओके, सो अभी मैं शेडो के लिए जो कलर ले रहा हूँ, अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड स्कारलेट रेड, अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड स्कारलेट रेड, सो एक सेकेंड, अल्ट्रा मरीन ब्लू एंड स्कारलेट रेड पहले से कलर बना लो, उससे कि टाइम बचेगा। ये नॉर्मल 270 GSM पेपर है, ओके ये नॉर्मल 270 GSM पेपर है, चित्रपट पेपर, रफ उसमें है, रफ फिनिश। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ कलर से, तब तक मैं कलर बनाता रहता हूँ, जब मुझे लगता है कि हाँ मेरे हिसाब से कलर बन गया है, तब जाके मैं आगे वर्क करता हूँ। सो फाइनली देखो मैंने शेड बना लिया, अल्ट्रा मरीन ब्लू विथ स्कारलेट रेड या वर्मिलियन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कैसे करते हैं काम, ठीक है, और हल्का सा ऑरेंज मैं साइड में मिक्स कर रहा हूँ,
उसका भी अपना एक इफेक्ट आता है। तो अभी कैसे करता हूँ मैं काम वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब शैडो कैसे देनी है ये समझने वाली बात है। ये हल्का सा ऑरेंज शेड है, हल्का सा ऑरेंज, ठीक है। हल्का सा पहले एक बेस देते हैं इस तरीके से, जिससे कि एक बहुत अच्छी इफेक्ट निकल के आए। और शायद कुछ लोग को यह चीज़ें पता भी नहीं होगी किस तरीके से शैडो दी जाती है, बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा और मोस्टली लोग को नहीं मालूम होगा, जो मेरा एक आइडिया है। बस देखते जाओ आप कि किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। कि जो हम देखते हैं उससे कुछ अलग ही होता है। एक अच्छे आर्टिस्ट क्वालिटी यही है कि जो एक्चुअल में दिखता है उससे हम अलग हटके काम करें, तो एक अच्छी बात होती है। देखो इस तरीके से एक बार काम हो गया ना, बस अपने आप बहुत अच्छा फील निकल के आएगा उसका। देखो इस तरीके से शेडो जो मैंने आपको बताई थी वही कलर सेम। मैंने कहाँ पे कितनी डार्क आ रही है आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो इस तरीके जहां जहां पे दिख रही चीजें वहां पर मैं काम कर सकता हूं। कहीं कहीं पे हल्की सी ऑरेंज की भी आ रही है। मतलब एक इफेक्टिव काम कैसे करते हैं वो समझने वाली बात है, कि इफेक्ट देना एक वर्क में वो कैसे आएगा। देखो इस वे में जहाँ एक्स्ट्रा वाटर उसको आप हटा सकते हो। इतना ही करना बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, बट ये कि एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो ना आप। ट्राई करने में क्या जाता है। हल्का सा ऑरेंज कलर लिया है। आप देख सकते हो सारा काम वेट ऑन वेट हो रहा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर का पेपर वेट है, लेकिन पेपर इतना ज़्यादा कलर स्प्रेड नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैं वाटर बहुत ही कम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं वाटर बहुत ही कम ले रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा कलर स्प्रेड उतना नहीं हो रहा है।
देखो इस तरीके। ये वो काम करना आ जाएगा ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। मेहनत तो हर चीज में होती है, बिना मेहनत कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर ऐसा काम करना है तो। ये तो डेमो पार्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और वही कि जब मैं अपने लिए काम करता हूँ तो और टाइम लगा के करता हूँ चीज़ों में। डेमो में करते हैं उसका अलग फील होता है, खुद के लिए करते हैं काम तो उसका अलग फील होता है। तो बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत करो और खुद के लिए भी काम करो और दूसरों के लिए भी करो। अगर आज मैं खुद के लिए भी काम करूँ तो मैं दूसरों के लिए भी कर रहा हूँ सिखाने के लिए, कि यार चलो उनको सिखा पाऊँ जो उनको नहीं है, जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, चलो उनके लिए कुछ हो जाएगा बेस्ट। मैं तो यही सोचता हूँ, ठीक है। तो ये कि अपने लिए भी सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो इसका प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें, जो भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो आर्ट टीचर भी हैं या जो भी है। तो पैसा तो होता है इम्पोर्टेंट, हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट, आई नो, लेकिन नॉलेज उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है अगर किसी को फ्री में दी जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और एक रियल आर्टिस्ट वही है जो दूसरों के लिए भी काम करे और खुद के लिए भी रेगुलर काम करे। काम करना नहीं इम्पोर्टेंट होता, जितना रेगुलर काम करना इम्पोर्टेंट होता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। काम सब भी करते हैं लेकिन रेगुलर कौन कर पाता है, ये एक समझने वाली बात होती है। अभी उन्हीं ब्लू एंड रेड कलर से मैं काम कर रहा हूँ। आप देख, थोड़ा डार्क किया है मैंने और हल्का सा येलो कलर लेके यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा ओपेक में येलो कलर है, शायद आप लोग को पता नहीं ओपेक यूज़ करते नहीं यूज़ करते, आपको पता है नहीं पता है। हल्का सा मतलब कि 100 में 95, मतलब कि 5% आप ओपेक हल्का सा काम कहीं ना कहीं मतलब अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पिटिशन में मान्य होता है, कुछ लोगों का ना मालूम हो तो मैं बता देना चाहता हूँ। इस थोड़ा डार्क किया, देखो एक डेप्थ आ जाएगी उसमें। इफेक्ट दे रहा हूँ जो आ रहा है माइंड में, बस करता जा रहा हूँ। जितना हो सकता है एटलीस्ट देखो उस तरीके से। अब जैसे ये एरिया थोड़ा ड्राई है तो हल्का सा शैडो, देखो उस तरीके से हल्का सा ऑरेंज का ग्रेडिएशन दे, जिससे कि और अच्छा लाइट इफेक्ट है। हल्का सा ऑरेंज शेड हमेशा ग्रेडिएंट उसमें दोगे तो बहुत अच्छा लाइट इफेक्ट आएगा। देखो एक डेप्थ ब्लू एंड रेड, मैं कभी भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करता हूँ, ब्लू एंड रेड में ही काम करता हूँ जिससे कि डार्क शेड बन सके, अगर आपको दिख रहा हो। ब्लू एंड रेड कलर मैंने मिक्स किया है। टेक्सचर दिया है बस हल्का सा,
बस देखो इस तरीके से एक मंदिर में एक फील तो आ गया ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने एकदम कॉपी कर दी वो चीज़, फिर भी थोड़ा बहुत उसके ऐसा एक फील तो दे दिया। हल्का सा थोड़ा क्लीन वाटर अप्लाई कर रहा हूँ इतने एरिया में, हल्का हल्का थोड़ा सा। यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं दिख रही हैं, ठीक है यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं दिख रही हैं। हल्का देखो थोड़ा लाइट अच्छा करने के लिए ऐसे मैंने बना दिया इफेक्ट। देखो इस वे में कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। और अभी एक काम मैं करने जा रहा हूँ, मतलब कि ब्रश को क्लीन करके हल्का सा क्लीन वाटर अप्लाई कर रहा हूँ इतने एरिया में। ठीक है वो क्यों अभी समझ में आ जाएगा। और डार्क कलर को अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको बहुत ध्यान देखिएगा। चलो फिगर का भी मैं कलर ऐसे छोड़ देता हूँ इतने एरिया में, वो बन जाएगा फिगर उतने एरिया में बाद में। पहले एक बेस निकाल लेते हैं जिससे कि एक डेप्थ आ सके। हाँ बहुत ध्यान से वर्क करना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए। पहले एक बेस लगाते हैं उसके बाद डेप्थ क्रिएट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली डार्क कलर लगाने में लग जाते हैं, लेकिन नहीं, पहले हल्का सा पहले बेस का सेट लगाओ उसके बाद धीरे करके डेप्थ निकालो तो ज़्यादा सही रहता है काम करना। कुछ लोग जल्दबाजी में अच्छा करते हैं लेकिन कभी कभी लास्ट में जाते हैं तो वो चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, अच्छा होगा बिल्कुल होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ब्लू एंड स्कारलेट रेड मिक्स किया है जो शेड बना रहा हूँ मैं। एक बहुत अच्छी डेप्थ आएगी।
थोड़ा जब भी ज़्यादा बड़ा एरिया, तो बड़े एरिया बस कम काम करते हैं, जब भी बड़े एरिया में वर्क करते हैं तो थोड़े से बिग साइज फ्लैट बस का भी यूज़ कर सकते हो। देखो इस तरीके, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेंटिंग में ब्लैक कलर यूज़ करना नहीं चाहिए, आप करने हो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक नीड ना हो तब तक ना ही करो तो अच्छी बात होगी, ये मेरा कहने का मतलब है। जब तक नीड ना हो तब तक ना ही करो तो अच्छी बात होगी, कि ब्लैक से क्या होता है पेंटिंग एकदम से फोकस में आती है, मतलब ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली हमने उस चीज़ को, लगता है कि ब्लैक एकदम से फोकस क्रिएट करेगा, तो दैट्स व्हाई हम यूज़ नहीं करते हैं उस चीज़ को। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। शेडो में पहले मैंने वाई मतलब कि एक लाइट शेड, मतलब पहले वाटर अप्लाई किया, देन उसके बाद हल्का सा ऑरेंज शेड अप्लाई किया। ठीक है, उससे और अच्छा लाइट का फील आता है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा पर्पल शेड अप्लाई करें, इससे कि और अच्छा फील है। इतने से ही आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ, क्या टेक्निक है, ठीक है। और डिटेल में अगर आपको पेंटिंग सीखनी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है, तो फिर आप चाहो तो मेरा ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ एक आपको एक उसमें तो नहीं मिल सकती, बट ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें कोर्स करने के बाद ही समझ में आएगा। तो ये कि कोई नहीं, जिनको लगता है, और मैंने अपना नंबर तो आपको बताया ही है कि जो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इनको ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड पूछना है कुछ भी तो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं क्लास से रिलेटेड। नंबर फिर जिन लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया तो नंबर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 9559480989। क्लास, और जो लोग ये काम कर भी रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड भी आप वर्क मेरे को भेजिएगा व्हाट्सएप पे, जिससे कि मैं देख पाऊँ कि किसने कैसा क्या काम किया है, वो सारी चीज़ें। बट करिएगा ज़रूर, मैं चाहता ही हूँ कि आप लोग अच्छे से वर्क करो। वो फील तो आएगी, मैं नहीं करूँगा एकदम मैंने रियलिस्टिक काम किया, लेकिन फिर भी वैसा एक फील तो दिख ही रहा होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, आप रेफरेंस में क्या देख रहे हो या आपको ओरिजिनल में क्या चीज़ दिख रही है, इतना तो आप सभी समझदार हो, एक आइडिया तो लगा ही रहे होंगे। हर चीज़ जरूरी नहीं कि रियलिस्टिक बनाया जाए तभी अच्छा लगेगा, एक फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। जब काम करने लग जाएंगे तो वो फील अपने आप आ ही जाता है। और अभी मेरे वाटर कलर के बैचेस जो नए स्टार्ट हो रहे हैं 14 एंड 15 से, 14 से मेरा वाटर कलर का बैच है एंड 15 से मेरा स्केचिंग का बैच है। तो अभी जिसको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर भी सकता है, और जिसको लगता है कि हाँ कुछ एटलीस्ट, हाँ सर को थोड़ा बहुत आता है, जिन लोग को ये लगता है तो बिल्कुल सीख सकते हैं, ठीक है। बट ये कि काम वही है कि सिर्फ वाटर कलर हमारे सिखा रहे हैं कुछ नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस ही बहुत मैटर करती है। थोड़ा डेप्थ निकालना है उसमें, आपको दिख रही होगी हल्की हल्की डेप्थ जो शॉप के नीचे वाले एरिया में आपको दिख रहा होगा, एरिया जहाँ पर हल्की शेडो आ रही है। बस नॉर्मल सा हल्का सा ऐसे ही, बस एक फील तो आ ही गया ना अगर देखा जाए। इतना रियलिस्टिक नहीं करूँगा बस, लेकिन आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो बनाना चाहते थे तो वो बन गया, ये मेरा कहने का मतलब है। सो अभी आप उस चीज़ को
देख सकते हो। कि किस तरीके से वर्क हुआ है। डिटेलिंग कभी ना खत्म होना सब्जेक्ट है, मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि डिटेलिंग ऐसा पार्ट जो कभी खत्म नहीं होता है। आपको अपने साथ सोचना पड़ेगा कि आप कितना, आपका पेशेंस लेवल क्या है। कि पेशेंस लेवल तो अच्छा होना ही चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ, लेकिन ये कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। करते रहो काम चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका। यहाँ पे जैसे कि हल्का थोड़ा सा, अब थोड़ा डिटेलिंग स्टार्ट करेंगे, तो बस यहाँ पे हल्का से विंडो दिख रही है, वहाँ पे इस तरीके से पैच लगाएंगे, अप्लाई करेंगे चीज़, उससे थोड़ा सा और रियलिस्टिक फील निकल के आए। अब जैसे यहाँ डिटेलिंग करेंगे तो अपने आप देखना पूरी बिल्डिंग में कनेक्ट हो जाएगी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें अपने आप में कनेक्ट हो जाएंगी और अच्छा फील आएगा देखने में। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 विंडो दिखा दूँ, क्या दिक्कत है। सिर्फ आइडिया तो देना है, एक हल्का सा एक फील दिखाना है। चीज़ें ऐड ऑन हम कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लाइट के ऊपर हल्का सा ऑरेंज से पैच देंगे, जिससे कि और अच्छा इफेक्ट निकल गया है। लाइट में हल्का सा लाइट, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। और जहाँ डार्क है वहाँ डार्क भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर जगह लाइट ही अप्लाई करते चल रहे हो। जहाँ डार्क है वहाँ हम डार्क भी करेंगे। देखो इस तरीके, यहाँ पे भी डार्क है। अब जो सबको लाइट का फील दिख रहा है, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको एक लाइट का फील आ रहा है हल्का हल्का, उतना रियलिस्टिक नहीं किया बट फिर भी हल्का हल्का, अगर आप सबको दिख रहा हो। चीज़ को आप देख सकते हो, डिटेलिंग करते जाओ, चलता ही रहेगा वो तो प्रोसेस। ठीक है, सबको दिख रही होंगी चीज़ें कि डिटेल हल्का सा। बस ये है कि एटलीस्ट काम करो, थोड़ा सा टाइम दो। लोग बोलते हैं टाइम नहीं निकल पाता है, तो टाइम देखो किसी के पास नहीं होता, टाइम मेरे पास भी नहीं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैंने टाइम निकाला है। ये है कि आप भी मतलब काम सीखने के लिए टाइम तो आपको देखो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कि थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ इसको, बाकी देखो सबकी लाइफ बिजी है। अच्छी बात, अभी आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हो बहुत कुछ। देखो फाइनली मैंने इतना पार्ट से क्रिएट कर लिया है। अभी जैसे कि ये चीज़ थोड़ी डार्क होगी, ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क होगा,
हल्का सा ऑरेंज शेड लेके जैसे यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। जो ये स्टोन जो दिख रहे हैं बहुत सारे, जब ये डार्क होगा तभी डेप्थ आएगी, इसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। हल्का सा ऑरेंज ऐसे अप्लाई कर दो, ठीक है, हल्का सा ऑरेंज। आयो सभी को दिख रहा होगा ये, अब मैं ले रहा हूँ पर्शियन ब्लू, पर्शियन ब्लू विथ रॉम्बर, पर्शियन ब्लू विथ रॉम्बर, और हल्का इसमें रेड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा डेप्थ देने के लिए, थोड़ा डार्क करेंगे तभी इफेक्ट आएगा। पैच पैच में काम कर रहा हूँ, देखो पैच पैच में जैसे डार्क किया, देखो बैकग्राउंड डेप्थ आ गई, एक लाइट वाला फील आ गया। देखो इस तरीके, देखो एटलीस्ट जितने टाइम में काम करता था तो उतना मैं तो करके दिखा सकता हूँ आपको। बाकी तो भाई ये थोड़ा जितना एटलीस्ट 1 घंटे में जितना बन सकता अच्छे से उतना मैं अपना ट्राई कर सकता हूँ बेस्ट। ठीक है, बाकी ये कि थोड़ा और डार्क कर देंगे, मतलब कि वाटर कम हो कलर थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप बस ऐसे नॉर्मल आपको पैचेस अप्लाई करने, देखो इस तरीके से ऐसे। सिंपल सा उम्मीद करता हूँ आप लोग डेमो एंजॉय कर रहे होंगे, और जैसा भी आपको लगा हो उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा बाद में। ठीक है, या आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता सकते हैं कि कैसा बना था, जैसा भी अच्छा एक्सपीरियंस ख़राब एक्सपीरियंस जैसा भी आपको लगाओ आप बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, और बस हमेशा सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ डेमो देना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उससे आप क्या सीख रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हल्का सा पानी हल्की छींटे से मारते तो हल्का टेक्स्चर आता है पानी के साथ, छींटे इस तरीके से करने से तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छी बात है आपको डेमो अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो ये है कि थोड़ा सा आपको अपना भी अच्छा, तो सब अच्छा ही होता है, ख़राब कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये है कि आप भी थोड़ा ट्राई कीजिए, काम करके दिखाइए। ठीक है, तो इस तरीके से, और जो पेड़ पे शैडो आ रही है उसके लिए ब्लू एंड हल्का स्कारलेट रेड ले रहा हूँ, ब्लू एंड स्कारलेट रेड। देखो इस तरीके एक शैडो आ जाएगी अच्छी सी, आपको दिख भी रहा होगा कि शैडो मैंने कैसे दी है। देखो और एक मेरे पास एक ये लाइनर ब्रश है जो कि अभी
बाद में आपको नेक्स्ट मंथ मेरे नेम से आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगा। एक काफ़ी मेरा मतलब फेवरेट ड्रेस भी है। सो एक जैसे चाइनीज़ बैम्बू ड्रेसेस होते हैं, आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ड्रेस है। तो आपको नेक्स्ट मंथ तक ऑनलाइन अवेलेबल भी होगा, मतलब मेरे ही नेम से। सो अभी स्टॉक में आया है मेरे पास, तो इसको मैं आप परचेज़ कर सकते हो। कितनी फाइन लाइन आती है, आप सबको दिख रहा होगा, कितना बढ़िया इफेक्ट आता है इससे काम करने से। पर उसका लिमिटेड स्टॉक होगा, ऐसा नहीं कि आप आराम से 10 दिन बाद भी या 1 महीने बाद भी खरीदो, ऐसे ज़रूरी नहीं आपको मिल जाए। जो जिनको लेना होगा वो बाद में कांटेक्ट कर लेगा। और ऑलरेडी बुकिंग चल रही है, और आपको ये मिलेगा ही नहीं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर ऐसा कुछ मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मुश्किल ही है कि आपको मिल जाए, या आपको वैसे पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी वेबसाइट पर आपको दिखे। हाँ अमेजोन में दिखेगा, बट मेरे नेम से दिखेगा, ठीक है। और अभी हल्का टेक्सचर बना रहा हूँ, आप सबको, आप देख सकते हो। थोड़ा शैडो और अच्छे से क्रिएट कर रहा हूँ। बस अब यहाँ पे हल्का हल्का आपको लीफ दिखानी है। देखो सर, सारा काम आप एक बार में कर सकते हो। देखो मैंने लीफ मेरे को दिखानी हुई, मैंने ग्रीन कलर लिया, कितना अच्छा लीफ का पार्ट निकलता है देखो। तो मैं इसलिए आपको करके भी दिखा रहा हूँ इससे, कि एटलीस्ट आपका आइडिया हो जाए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, मतलब इतना फाइन काम भी कर सकते हैं, ये मेरा कहने मतलब है। आप देख सकते हो इस चीज़ को, तो कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। थोड़ा और डार्क कर देता हूँ, थोड़ा डार्क कलर और बनाता हूँ, इससे कि और अच्छा निकल के आए वो चीज़। एक सेकेंड, मतलब फाइन जो लीफ बनाते हैं बहुत अच्छा निकल के आता है इससे। आप देख सकते हो कितना बढ़िया एक इफेक्ट निकल के आ रहा है। तो लाइनर उसकी ये अच्छी क्वालिटी होती है, कि इससे हम फाइन लीव्स वाला पार्ट एरिया कवर कर सकते हैं। सबको देखो दिख रहा होगा इस तरीके से। देखो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया भी कवर कर सकता है, बस तरीका मालूम मुझे चलाने का, कैसे चलाते हैं। थैंक यू स्वाति जी, आपने इतना बोल दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी नॉलेज हो सकती है शेयर करता रहता हूँ बस। और सही बताऊँ, मतलब कि आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे अच्छा काम करने का मौका मिलता है। जो आप लोग इतना मेरे को मोटिवेट करते रहते हो कि सर आप अच्छा कर लेते हो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें, या एक आर्टिस्ट को बहुत मोटिवेट करती हैं। सो आज के टाइम में तो लोग एक दूसरे की तारीफ़ करना भी नहीं चाहते हैं। तो अच्छी बात आप लोग के अंदर है कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे को मतलब कि मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए, तो अच्छा लगता है। कि और मैं तो चाहता हूँ कि जो भी आप, अगर आप भी टीचर हैं तो आपको भी एक एनर्जी मिलती है अपने स्टूडेंट से कुछ अच्छा काम करने की। तो वही चीज़ मेरे साथ भी है, कि मेरे स्टूडेंट से भी मेरे को एनर्जी मिलती है अच्छा वर्क करने की, अच्छा सोचने की, और दूसरों के लिए भी अच्छा करने की। तो बस ये है कि ऐसे ही करते रहो तो चीज़ें अच्छी रहती हैं, मतलब कि अच्छा रहता सारी चीज़ें। तो ये है, जैसे मेरे को फाइन स्ट्रोक्स बनाने तो मैंने बना लिए, अब थोड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने हैं। तो सिंपल सी बात है, हल्का सा मैं मॉप ब्रश लूँगा। ओके अगर आपके लिए कोई अच्छा करे तो आप दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। सो बस अच्छा यही होता है। देखो हल्का सा लाइट शेड,
मेरा टाइम शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि मैं लाइव डेमो मतलब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ। अभी बहुत टाइम बाद मैंने रखा ये डेमो यूट्यूब पे, कोई टाइम ही नहीं था मेरे पास। बट चलो फिर भी थोड़ा बहुत जितना टाइम निकल गया उतना मैंने आपके लिए किया। तो ये कि आप लोग अपना बेस्ट दो और मेरे को काम जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे को वर्क जरूर शेयर कीजिएगा। हल्का हल्का थोड़ा सा देखो डार्क उसमें। कोई ब्रश ले लो, जितने बड़े ब्रश से यूज़, मॉप ब्रश बेस्ट होता है, ज़्यादातर एरिया कवर करता है, अच्छा रहता है अगर आपको बड़े एरिया में काम करना है। ऐसे भी स्प्रे कर सकते हो, इस तरीके से भी वाटर स्प्रे कर सकते हो। मैंने काम अच्छा होना चाहिए, जैसे भी हो रहा हो वो मैटर नहीं करता है, ये कि अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट निकल के आना चाहिए। देखो इस तरीके हल्का हल्का, अगर प्रॉपर अगर आपको अच्छे से सीखना है वाटर कलर तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको ये चीज़ हर जगह सब कुछ मिले ही प्रॉपर, तो वो तो फिर आपको हल्का सा कोर्स करना ही पड़ेगा। जिन लोग को कोर्स रिलेटेड इंक्वायरीज लेनी है तो वो मेरा नंबर लिख सकते हैं, मैंने रिपीट भी किया था, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9559480989। जिनको भी मतलब करना है कुछ भी, मतलब आर्ट्स कुछ सीखना है वाटर कलर से रिलेटेड तो वो सीख सकते हैं, उसमें मैं हर चीज़ अलग अलग करके सिखाता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे से क्लासेस ली भी हुई हैं, जो लोग जानते हैं मुझे, जो लोगों ने जो पहले से जानते हैं वो, और मैं हर क्लास का रिव्यू भी लेता हूँ, मतलब फीडबैक लेता हूँ अपनी क्लास का कि कैसा आपको लगा ये सारी चीज़ें, क्या या मेरे को क्या इंप्रूवमेंट करनी। मैं हर चीज़ मैं चाह देखो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं खुद ही बोलता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं। तो हर आर्टिस्ट को मैं तो यही बोलता हूँ कि ऐसा सोचना चाहिए कि उसको लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, जैसे हो सकता है कि आगे के लिए अच्छा ही हो। ओके सो बस इस तरीके से काम करते हैं, और आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करना है। सो ये एक टेक्निक मैंने आपको बताई है, और जैसा भी आप लोग को लगा हो प्लीज़ आप मेरे शेयर कीजिएगा, जैसा भी आपको समझ में आया, जैसा भी आपको अच्छा लगा हो, या जैसा भी आप इस तरीके से। सो थैंक यू सो मच वेरी मच सभी को, आप लोग काम कीजिए एंड मेरे को शेयर कीजिए। तो आज का ये डेमो यहीं फिनिश होता है, सो थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी काम करके मेरे को भेजेंगे। ओके फिर बाय बाय एंड थैंक यू, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला, मैंने भी टाइम निकाला, ठीक है। सो ठीक है, ओके फिर बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।